नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झौरा। अब आतंक पर होगा बड़ा अटैक। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में पिछले 7 दिनों से लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा समीक्षा के लिए आज राजौरी दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ उप राज्यपाल और सेना प्रमुख मनोज पांडे मौजूद रहे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 21 दिसंबर को आतंकियों ने सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद से सेना और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और लगातार आतंकियों की तलाश में जंगलों के भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7वां दिन है। देखिए, 21 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी सर्च ऑपरेशन, अभी भी क्योंकि जंगल वाला एरिया है और ऐसे में आतंकी इसी का फायदा उठाते हैं। जंगलों के बीच में इनकी गुफाएं स्थित होती हैं। अब इनको टारगेट करना, इनको निशाना बनाना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है आर्मी के सामने। लेकिन आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए, आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। इसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं, उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में रक्षा मंत्री हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ होंगे। और ये आप तस्वीरों में देखिए, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं ये राजभवन जा रहे हैं। और ये देखिए आर्मी चीफ जो हैं उनके साथ, आप उनकी गाड़ी के काफिले को देखिए। आपको बता देंगे जो हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, इसमें आर्मी के जनरल मनोज पांडे, जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के टॉप ऑफिशियल, इंटेलिजेंस एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल शामिल होंगे। राजनाथ सिंह को पूरा ब्रीफ किया जाएगा जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर। एलओसी पर हमारी तैयारी कैसी है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की, उसके बारे में भी पूरी बारीकी से जानकारी दी जाएगी। और जो ऑपरेशन इस समय डेरा की गली में चल रहा है, उसके बारे में भी रक्षा मंत्री को पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि चैलेंजेस हमारे जवानों के सामने क्या क्या है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री जब जम्मू सुबह पहुंचे, उसके बाद राजौरी गए, वहां पर उन्होंने आर्मी कमांडरों से मुलाकात की। आर्मी कमांडर की ओर से उन्हें पूरा ब्रीफ किया गया जो ऑपरेशन इस समय चल रहा है डेरा की गली में। उसके बाद जवानों से मुलाकात की, उनके हौसले को बढ़ाया। उसके बाद जो जवान जख्मी हैं उनके बारे में जाना कि उनका हाल कैसा है, और उसी के साथ अस्पताल गए राजौरी में, वहां पर जो सिविलियन जख्मी हैं उनसे मुलाकात की, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की, और अब राजभवन पहुंचे हैं। यहां पर हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में रक्षा मंत्री को पूरी तरह से ब्रीफ किया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 जम्मू।